नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा में एक जनसभा को किया संबोधित। पीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए व्यक्ति से बढ़कर पार्टी और पार्टी से बड़ा देश, यही हमारी संस्कृति और हम इसी संस्कृति के साथ काम करते हैं। भारत ने यूएई को दिया G20 समिट का विशेष आमंत्रण। 2023 में दिल्ली में आयोजित होगी G20 समिट। सीवी आनंद ने कोलकाता में राज्यपाल के रूप में ली शपथ। इस दौरान राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही उपस्थित। सीवी आनंद ने कोलकाता में शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य नेताओं से की मुलाकात। दिल्ली में 4 दिसंबर को कांग्रेस के संचालन समिति की बैठक। बैठक में पूर्ण अधिवेशन, भारत जोड़ो यात्रा और अन्य संगठनात्मक मुद्दों पर होगी चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्यप्रदेश में एंट्री। राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत मध्यप्रदेश के बुरहानपुर से की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि इस हिंदुस्तान में 3-4 अरबपतियों के हाथ में सारी इंडस्ट्री, ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, यह अन्याय का हिंदुस्तान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की जम्मू कश्मीर पहुंचने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना समय की मांग। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी बैठक। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। सचिन पायलट ने कहा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान में करेगी यात्रा प्रवेश। राजस्थान में लगभग 15 से 18 दिन रुकेगी यात्रा। राहुल गांधी के अलवर में होगी बड़ी रैली। सत्येंद्र जैन का नया वीडियो आया सामने। मसाज के बाद अब होटल का खाना खाते आई नजर। बीजेपी ने आप और केजरीवाल पर कसा तंज। एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर। बीजेपी ने कहा कि आप लगातार धोखा देने का काम कर रही है। जेल में होने के बाद भी सत्येंद्र जैन को पद से नहीं हटाया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आपके पाप धोते धोते यमुना भी मैली हो गई। सत्येंद्र जैन पर बोली पूर्व आईपीएस किरण बेदी। कहा जब आपको ऐसी सुविधाएं मिलती है जो दूसरों से अलग है तो वो जेल में नहीं, एक तरीके का हाउस अरेस्ट है। तब उनके मंत्री ही जेल में है तो वो क्या कार्रवाई करेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पर का राहुल गांधी पर बयान। कहा मैंने देखा राहुल गांधी का चेहरा बदल गया है। चेहरा बदलना है तो नेहरू या पटेल जैसा करो, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होता जा रहा है। तो वही अलका लामा ने पलटवार करते हुए कहा अच्छा है राहुल ने हेमंता से ज्यादा अपने कुत्ते को महत्व दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हेमंत बिस्वा के बयान पर किया पलटवार। कहा उन्हें शर्म आनी चाहिए जो राहुल गांधी के बारे में ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज हेमंत बिस्वा जो भी हैं वो राहुल गांधी की वजह से, इसलिए उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। कहा महाराष्ट्र के 5 टुकड़े करना चाहती केंद्र सरकार। शिंदे सरकार नहीं गिरी तो महाराष्ट्र के होंगे 5 टुकड़े। असम मेघालय बॉर्डर पर तनाव का मामला। असम सरकार ने की केंद्र सरकार से मांग। मेघालय बॉर्डर पर फायरिंग की जांच की मांग। असम सरकार ने सीबीआई या फिर एनआईए से जांच कराने की मांग। अमातुल्ला खान को मिली जमानत। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। अमातुल्ला खान समेत 10 आरोपियों को मिली जमानत। दिल्ली के वक्फ बोर्ड में भर्ती में अनियमितता के मामले में मिली जमानत। राजस्थान के जोधपुर में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी प्रवासियों को भारत की मिली नागरिकता। एक पाकिस्तानी प्रवासी ने बताया कि नागरिकता पाकर लग रहा बेहद अच्छा। अवैध संपत्ति के खिलाफ सीएम योगी की कार्रवाई। बाहुबली अतीक अहमद की झूसी में 1,28,00,00,000 की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी। पूर्व सांसद पर यह कार्रवाई। भुमनगंज पुरा मुफ्ती थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत की जाएगी। उदयपुर में एकमे और अरिहंत ग्रुप द्वारा आयकर विभाग का शिकंजा। फाइनेंस और रियल स्टेट के 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर आयकर कर्मी कर रहे दस्तावेजों की जांच। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में एक नया खुलासा। श्रद्धा ने 2 साल पहले पुलिस को की थी शिकायत। शिकायत में कहा था कि उसका प्रेमी आफ्ताब उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंकने की धमकी देता है। इस दौरान श्रद्धा ने अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर अपने साथ मारपीट के बाद चेहरे पर आई चोट की तस्वीर भी शेयर की। दिल्ली में एक और खौफनाक हत्याकांड। युवक ने माता पिता समेत पूरे परिवार के 4 लोगों का किया मर्डर। आरोपी युवक गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक और अरुणाचल में बसर के महसूस किए गए भूकंप के झटके। नासिक में 3.6 और बसर में 3.8 मापी गई भूकंप की तीव्रता। अमेरिका के वर्जीनिया के चिकापिस में वॉलमार्ट स्टोर में सामूहिक गोलीबारी। गोलीबारी में 10 लोगों की मौत की जानकारी। चश्मदीद बोला मैनेजर ने स्टाफ पर गोलियां बरसाई। पुलिस के मुताबिक शूटर मारा गया। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में 2 आतंकी हमले में 14 लोगों की मौत। मृतकों में सेना के 8 जवान भी शामिल। कई का अपहरण भी किया गया। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर शहर मैदुगिरी के बाहर 3 बसों की टक्कर में 37 लोगों की मौत। कई जख्मी। बस का टायर फटने से हुआ हादसा। मस्क ने ट्विटर पर कार्यभार संभालने के बाद कर्मचारियों की संख्या 7,000 से घटाकर कर दी लगभग 2,700। मस्क का कहना है कि कंपनी में और छटनी नहीं की जाएगी। भारत से करेंगे इंजीनियर्स की भर्ती। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने बीकानेर में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद के साथ किए गए अभद्र व्यवहार पर किया आक्रोश व्यक्त और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
झुंझुनू के चुड़ावा में पुलिस के दस्ते ने भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक किया बरामद। राजकोला कॉम्प्लेक्स के अंडरग्राउंड में बनी एक दुकान से प्लास्टिक की प्लेट, ग्लास, चम्मच, कटोरी समेत भारी मात्रा में की जब्त। नागौर के खिवसर के उपखंड मुख्यालय पर खिवसर प्रीमियर लीग संस्करण 2 क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 का होगा आयोजन। आयोजनकर्ता पन्नी सिंह गहलोत के मुताबिक इस बार बाहरी गांव से 44 खिलाड़ियों ने किया आवेदन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के सचिव तस्नीम खान कुचामन के दौरे पर रहे, इस दौरान उन्होंने तालुका विधिक सेवा समिति कुचामन सिटी में आयोजित विधिक साक्षरता कार्यक्रमों में शिरकत की। राजसमंद में सांसद दिया कुमारी ने उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक से मुलाकात की, इस दौरान उन्होंने कई मामलों पर चर्चा की। मंडियाना से नादवारा रेल लाइन के बीच में कृषकों की खातेदारी भूमि को नहीं लिए जाने जैसे मुद्दों के बारे में भी चर्चा की। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे ग्रामीणों का विरोध करने पर एक पशुपालक परिवार के साथ मारपीट, मारपीट में पशुपालक समेत पत्नी और बच्चे हुए जख्मी, सभी घायलों को अस्पताल में करवाया एडमिट। झुंझुनू और खेतड़ी डिपो आगार परिसर में राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों ने विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया शुरू, इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध किया जाहिर। मकराना में पटवार संघ के तत्वावधान में उपखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन, राज्य सरकार और पटवार संघ के बीच हुए समझौतों की पालना नहीं होने पर जताया विरोध। राजस्थान पटवार संघ की ओर से 3 जुलाई 2021 और 4 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार से हुआ था समझौता। बूंदी के केशव राय पाटन में चंबल नदी के तट पर श्री केशव रंगमंच पर आयोजित भजन संध्या में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की शिरकत, इस दौरान इंदौर के मशहूर गायक किशन भगत की भक्तिमय प्रस्तुतियों पर श्रद्धालु भक्ति में डूबे आए नजर। भीलवाड़ा में व्यक्ति को जॉगिंग करते समय आया हार्ट कोलैप्स, मौके पर हुई मौत, महिला आश्रम कॉलेज के पास घटना, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे। झालावाड़ के पैगामी सुन्नत कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन जिसमें अल्लामा और मौलाना सैयद अमीनुल कादरी और अल्लामा मौलाना शाकिर अली नूरी ईदगाह परिसर पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उदयपुर अहमदाबाद NH 48 पर ट्रेलर चालक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया, उदयपुर की तरफ जा रहा था बाइक सवार। अलवर के चांदोली गांव में पत्नी से विवाद के चलते पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा, युवक की 6 साल पहले हुई थी शादी। बूंदी के केशव राय पाटन में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 5 महीने पहले घटना के बाद से चल रहा था फरार, पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई तलवार भी की बरामद। प्रतापगढ़ के निरोड दलोट मार्ग पर 2 बाइकों के आमने सामने की बढ़ंत, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा बाइक चालक गंभीर रूप से जख्मी, घायल को जिला अस्पताल में करवाया गया एडमिट। सूरतगढ़ के उपकारागृह में एक बार फिर से कैदियों के पास मोबाइल मिलने का मामला आया सामने, जेल प्रबंधन की ओर से चलाए गए तलाशी अभियान में एक साथ 5 मोबाइल मिले, सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू की। चौकी बिसलपुर बांध से मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ 2 मुख्य नहर में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई जल वितरण समिति की बैठक के बाद में ये फैसला लिया गया था। धौलपुर में राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर उपखंड के समस्त पटवारियों ने किया धरना प्रदर्शन, पटवारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, ज्ञापन में पूर्व समझौतों को लागू करने की मांग की। नागौर के टाउन हॉल में राजकीय नर्सिंग कॉलेज के शिलान्यास का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुर्जुल राजकीय नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास किया, कार्यक्रम में जिला कलेक्टर पीयूष, SP रामूर्ति जोशी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। पंचायत समिति नाचला के सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14 के उपचुनाव हेतु संपन्न हुई प्रक्रिया को शून्य निरस्त घोषित किया गया, साथ ही उक्त निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के उपचुनाव हेतु जारी की गई लोक सूचना को तुरंत प्रभाव से प्रत्याहारित किया गया। धौलपुर में गोविंद पब्लिक स्कूल के तत्वावधान में कबड्डी आस्ते डू अखाड़ा क्रीड़ा प्रतियोगिता में धौलपुर ने करौली को 43-42 अंक से हराकर रोमांचक जीत हासिल की, तो वहीं इस प्रतियोगिता में 38 किलो में मेजबान धौलपुर ने जयपुर को हराया। धौलपुर के सरमथुरा थाना पुलिस ने बालिका विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों के आसपास घूमने वाले युवाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को लिया हिरासत में, पुलिस ने बताया कि बालिकाओं को इन समस्या से निजात दिलाने के लिए सरमथुरा थाना पुलिस ने ऐसे मजनुओं के खिलाफ चलाया है अभियान। कोटा के गुमानपुरा बाजार में एक दुकान पर आए ग्राहक बनकर चोर और मोबाइल की चोरी कर ले गए, मोबाइल चोरी की वारदात हुई सीसीटीवी में कैद, दुकानदार ने गुमानपुरा थाने में दी शिकायत, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पर ही आरोपी की तलाश। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, अलग अलग जिलों से शिविर में 655 लोगों ने किया रक्तदान। सीकर में पुलिस पैरो टीम की स्पेशल कार्रवाई, परशुराम पार्क के पास कैफे पर की गई छापेमारी, 6 युवक युवतियों को किया गिरफ्तार, कैफे संचालक मौके से फरार। रियावटी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ऋषपाल सिंह विद्या का क्षेत्र का 1 दिवसीय दौरा, इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में अनेक कार्यक्रमों में लिया हिस्सा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही कार्यकर्ता की रीढ़ की हड्डी पार्टी के लिए होती है। करौली के पटवार संघ अध्यक्ष लाखन सिंह ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने किया धरना प्रदर्शन, उन्होंने कहा कि सरकार से 3 जुलाई 2021 और 4 अक्टूबर 2021 को हुए समझौते पर बार बार धरना प्रदर्शन के बाद भी सरकार ने अब तक उन पर अमल नहीं किया।
बूंदी में समुदाय विशेष में व्याप्त कुरीतियों को त्याग कर युवक और युवती विवाह बंधन में बंधे कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संघ संस्थानों के सहयोग से शादी का आयोजन संपन्न करवाया गया। बिलवा के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केदारबल शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित दाई शिविर में शामिल हुए। उन्होंने विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को माला पहनाकर मिठाई वितरित की। करौली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले रैली निकालकर स्थायीकरण की मांग उठाई। भारतीय मजदूर संघ मजदूर में भरतपुर संभाग प्रभारी महेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में हुई बैठक। करौली में चिटफंड कंपनियों से पीड़ित जमाकर्ता और अभिकर्ताओं का कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। जमाकर्ताओं ने सरकार से निवेश किया हुआ पैसा वापस दिलाने की मांग की। जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं ने चिटफंड कंपनियों पर जमा के नाम पर ठगी के आरोप लगाए। सिरोही के आबू रोड से सादपुर तालाब के पास धार्मिक स्थल को हटाने के लिए पहुंचा पुलिस का जाप्ता। विको चेक पोस्ट चौराहे पर बैरिकेड लगाए गए, जिसकी वजह से क्षेत्रवासियों ने रात भर जाग कर गुजारी। उच्च न्यायालय के आदेश की पाला में करवाई जा रही कार्रवाई। बांसवाड़ा के जनजाति बालिका छात्रावासों में कुमकुम हेल्पर संघ की ओर से धरना प्रदर्शन। वेतन से जुड़ी मांगों को लेकर कलेक्ट्री के गेट पर धरना प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। श्रीगंगानगर के श्रीविजयनगर में पुलिस ने दो नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। गश्त के दौरान आरसीपी कॉलोनी में की कार्रवाई। 902 ग्राम डोडा पोस्ट डंठल और 770 ग्राम टोडा चूरा किया बरामद। नागौर के जैल में राजस्थान पटवार संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के सामने धरना देकर किया विरोध प्रदर्शन। जिला सलाहकार सदस्य पवार ने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी है लंबे समय से आंदोलनरत। अलवर के रैणी कस्बे में चलते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग, चालक बाल बाल बचा, स्कूटी जलकर हुई खाक। डीडवाना में नाबालिग इस किडनैप के मामले में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दो बदमाशों ने किया था नाबालिग को किडनैप। पुलिस ने तफ्तीश कर नाबालिग को किया दस्तियाब। नागौर में एक मकान में चोरी की वारदात के मामले का लाडू थाना पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार, आरोपी को किया गया कोर्ट में पेश। अजमेर के नसीराबाद में ट्रॉली और पिकअप की जोरदार भिड़ंत, हादसे में पिकअप चालक हुआ गंभीर रूप से जख्मी। अजमेर मार्ग स्थित बीरघाटी की घटना। प्रतापगढ़ में हुई दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत, बाइक सवार एक व्यक्ति की हुई मौत, दो गंभीर रूप से जख्मी, घायल को अस्पताल में करवाया एडमिट। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अज्ञात महिला के शव का किया अंतिम संस्कार। मृतका की पहचान नहीं होने पर नगर परिषद के सहयोग से हुआ अंतिम संस्कार। अलवर की कलाकुआ मानसोबर कॉलोनी में चोरों के द्वारा एक सहायक कृषि अधिकारी के घर को बनाया गया निशाना। चोरों ने घर का ताला तोड़कर करीब 4 लाख रुपए का सामान और नकदी किया चोरी। डूंगरपुर में संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 में रही खामियों को दूर करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। संविदा कर्मियों के पूर्व कार्य अनुभव को जोड़कर समकक्ष नियमित पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी करने की मांग। अलवर भगत सिंह से अंबेडकर मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली पहिया टूटने के चलते अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में डिवाइडर पर फूल बेच रहे बुजुर्ग और अन्य राहगीरों को आई चोटें। अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा। अलवर में सांसद बाबा बालकनाथ के कार्यालय के सामने चोरों ने दो मकानों को बनाया निशाना। चोर दोनों मकानों में रखे 3 सिलेंडर लेकर हुए फरार। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। अलवर के राजगढ़ में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा के मुख्य अतिथि और जिलाध्यक्ष संजय नरुका की अध्यक्षता में हुई बैठक। प्रतापगढ़ में नार्कोटिक्स विभाग ने नई अफीम नीति के तहत इस साल 777 किसानों को अफीम खेती के लिए नए लाइसेंस किए जारी। किसानों ने अफीम बुवाई का कार्य किया शुरू। पिछले साल जिले में 7,705 किसानों को अफीम खेती के लिए लाइसेंस जारी किए थे। राजसमंद के रेलमगरा क्षेत्र के गांव दरीबा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 3 खेलकूद प्रतियोगिताओं का हुआ शुभारंभ। हरि सिंह राठौर ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। भरतपुर के नदबई में डेहरा मोड़ 33 केवी जीएसएस पर ताला लगाने का मामला। ग्रामीण विद्युत अव्यवस्था को लेकर कर रहे प्रदर्शन। फ्री फेस विद्युत सप्लाई की कर रही मांग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने सिविल लाइन में अलवर से आए कार्यकर्ताओं और आमजन से की मुलाकात। मंत्री टीकाराम जूली ने कार्यकर्ताओं और आमजन की सुनी समस्याएं, साथ ही समाधान के लिए अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीणा ने नर्सिंग ऑफिसर विज्ञप्ति में पद वृद्धि और कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवा बहाली के लिए महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखकर निवेदन किया। बूंदी के केशव रायपाटन में पुलिस ने कापरेन और लाखेरी में हुई चोरियों की वारदातों का खुलासा किया। गैंग के सरगना समेत 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 1.5 साल से फरार आरोपी को भी किया गिरफ्तार। सिंगल यूज पॉलिथिन पर रोक के बाद एक बार फिर से कोटा उत्तर नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई। टीम ने कार्रवाई कर 400 किलो पॉलिथिन को किया जब्त। इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री के अंदर बड़ी मात्रा में पॉलिथिन होने की सूचना के बाद की गई कार्रवाई। राजसमंद में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक जिला कार्यालय में हुई संपन्न। इस बैठक में पार्टी के संगठनात्मक मुद्दे, कमेटियों के गठन, बीजेपी की जन आक्रोश रैली को तैयारी को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि बीजेपी जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट
कर समिति की बैठक हर 3 महीने में होती है। डिगाना में स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए खेल मैदान की मांग को लेकर स्कूल प्रशासन समेत कायमखानी नगर वासियों ने ज्ञापन सौंपा। स्कूल प्राचार्य ने बताया कि स्कूल का परिसर बहुत छोटा है, जिसे विभिन्न शैक्षणिक और गतिविधियां अन्य करने में परेशानी आती है। जयपुर में नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ के नाम से बोर्ड के गठन की मांग को लेकर नाथ समाज ने धरना प्रदर्शन किया। नाथ संप्रदाय के लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने सभी समाजों के बोर्ड का गठन किया, ऐसे में नाथ संप्रदाय प्रदेश के सभी क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। नागौर के कुचामन में राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टर इशाक ने बचाई बच्चे की जान। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इशाक ने फोटोथेरेपी के जरिए बच्चे का कंट्रोल किया पीलिया। उन्होंने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन यानी कि नवजात के शरीर का रक्त बदलने का किया फैसला, जिन्होंने उन्हें मिली सफलता। बौली में डीएपी यूरिया खाद की भारी किल्लत के चलते नगरपालिका मुख्यालय पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे जाम जिससे हालात हो गए। सचिव कुसुमलता मीना ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बौली थाना पर ही किसानों के कूपन काटे जाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। खीतड़ी के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड खेल मैदान में नगरपालिका को मिली नई दमकल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पालिका चेयरमैन गीता सैनी, विशिष्ट अतिथि लीलाधर सैनी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। धौलपुर के धीमरी गांव में साधु की ताल पर कश्यप समाज के लोगों पर 6 से ज्यादा बदमाशों ने किया हमला। परिवार के 5 लोग हुए जख्मी। आरोपियों ने तालाब में खेती करने पर 1 लाख रुपए की मांग की। मना करने पर आरोपियों ने किया हमला। जोधपुर में श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को फांसी की सजा देने की मांग। विश्व मानवाधिकार संगठन ने श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब पुनावाला को तुरंत फांसी की सजा देने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लूनी विधायक महेंद्र बिश्नोई ने ग्राम पंचायत खोड़ी भक्तासनी में सड़क निर्माण कार्यों का किया शुभारंभ। इस अवसर पर उपस्थित सैकड़ों गणमान्य लोगों ने विधायक बिश्नोई का गर्मजोशी से किया स्वागत। लाडू में समग्र विकास शिक्षा लाडू के तत्वाधार में प्रथम अभिभावक परामर्शदात्री व स्पीच थेरेपी फिजियोथेरेपी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीबीओ विनोद जानू रहे, तो वहीं प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। झालावाड़ की उन्हेल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 28 लाख रुपए की लूट के मामले में 4,55,000 नकदी और 46,300 का कीमती सामान किया बरामद। पुलिस ने आरोपियों को भी किया था गिरफ्तार। डिगाना में स्वर्णकार समाज ने कोषाध्यक्ष कन्हैयालाल स्वर्णकार के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल को सौंपा ज्ञापन। स्वर्णकार कल्याण बोर्ड बनाने की मांग के साथ ही आगामी बजट में बोर्ड बनाने की घोषणा करने की मांग की। अजमेर के ब्यावर में राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किए जा रहे संघर्ष के तहत चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है और इसी कड़ी में कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर स्थानीय रोडवेज बस स्टैंड पर धरना दिया गया। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में कार्मिकों ने संविदा सेवा नियम 2022 का लाभ दिए जाने की मांग रखी। लंबे समय से सेवा प्रदाता कंपनी के मार्फत तथा एमआरएस के माध्यम से सेवाएं देने वाले कार्मिकों ने अपनी मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कलाखेरी पहुंचने पर हाईवे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर किया भव्य स्वागत। इसके बाद ओम बिरला इंदरगढ़ जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्धजनों से मुलाकात की। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के मदर एंड चाइल्ड विंग में लगी लिफ्ट विगत 3 महीने से खराब पड़ी है। लिफ्ट के खराब होने की वजह से प्रसूताओं और गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलवर में प्रशासन के निर्देश पर मत्स्य उत्सव 2022 के तहत उपखंड राजगढ़ में 4 और रैनी उपखंड में 1 दिवसीय खंड स्तरीय मत्स्य उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एसडीएम अनिल सिंघल ने माचाड़ी में किया निरीक्षण। मारावी नवीन कृषि उपज मंडी समरानिया के अध्यक्ष पद के चितरंजन पाठक ने ली शपथ। समरानिया कृषि उपज मंडी के पहले अध्यक्ष बने चितरंजन पाठक। मंडी सदस्यों ने सर्वसम्मति से चितरंजन पाठक को अध्यक्ष पद पर किया चयन। धौलपुर के बाड़ी कस्बे का ऐतिहासिक किला गेट, जो कि 14वीं शताब्दी में अरबी और ईरानी शैली का मिश्रित नमूना है, आज बदहाल और दुर्दशा का शिकार हो रहा है। इस ऐतिहासिक गेट की 4 दीवारी पर लोगों ने पहले से ही कब्जा कर लिया, तो वही रहा सहा गेट भी अब लगातार अतिक्रमण की भीड़ चढ़ रहा है। भरतपुर में राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज बस स्टैंड पर किया धरना। मांगे पूरी नहीं होने पर रोडवेज से जुड़े संगठनों ने 24 नवंबर को रोडवेज के बसों का चक्का जाम करने का किया ऐलान। जोधपुर के मंडौर थाना क्षेत्र में स्थित एक मैरिज पैलेस के पास देर रात कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर की तोड़फोड़, जिसे पीड़ित पक्ष की ओर से मंडौर थाने में करवाया गया मामला दर्ज। दीदवाना सर्किल क्षेत्र में चेन स्नैचिंग, बाइक चोरी सहित अन्य अपराधों पर रोकथाम के लिए मौलासर पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने मौलासर, धनकौली, दाऊदसर, निमोद, अलकपुरा गांव में अस्थायी डेरों की जांच भी की, जिसमें कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।